ओम श्री गणेशाय नमः। राधे राधे दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल बतकथा एस्ट्रोलॉजर में स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन बताने जा रहे हैं। दोस्तों, 12 राशियों पर देवगुरु बृहस्पति का क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इस वीडियो में हम आपको 6 राशियों की जानकारी देने वाले हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी 6 राशियों का राशिफल बताएंगे कि देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन करते ही उनके जीवन में क्या बदलाव आने वाला है। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार देवगुरु बृहस्पति देखिए 12 वर्षों के बाद मेष राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं और साल 2023 का सबसे महत्वपूर्ण ग्रह गोचर में से एक है। 22 अप्रैल को देवगुरु बृहस्पति मेष राशि में गोचर करेंगे और फिर 1 मई 2024 तक इसी राशि में रहेंगे। इस तरह गुरु एक साल तक मेष राशि में रहेंगे और 12 राशियों के जीवन पर बहुत ही बड़ा असर डालने वाले हैं। वहीं कुछ राशि के लिए बेहद ही शुभ फल प्रदान करने वाले हैं, तो कुछ राशियों को कुछ सावधानी रखने की भी आवश्यकता पड़ सकती है। तो दोस्तों, ये जो हम आपको राशिफल बताने जा रहे हैं, ये जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है और इस वीडियो में हम आपको 6 राशियों की जानकारी देने वाले हैं। उससे पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें, बगल में बेल आइकन को ही प्रेस कर दें, जिससे मेरी आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति को सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है और ये सदैव देखिए शुभ फल प्रदान करते हैं। इन्हें संतान का, विवाह का, विद्या का, सभी का कारक माना गया है। हमारी गृहस्थी के जितने भी मतलब दाम्पत्य जीवन के जितने भी सुख होते हैं वो सभी हमें देवगुरु बृहस्पति के कारण ही प्राप्त होते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले शुरू करते हैं मेष राशि। मेष राशि पर मतलब देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन करने पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मेष राशि के जातकों को देखिए गुरु का गोचर बहुत ही लाभदायक रहेगा, अपना लक्ष्य प्राप्त करने में सफल होंगे, रुके काम आपके पूरे होंगे, स्वास्थ्य में सुधार होगा, वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा, करियर में सफलता और मान सम्मान मिलेगा, पदोन्नति होने के और साथ ही सैलरी में इंक्रीमेंट होने के प्रबल योग बनेंगे। मेष राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन बहुत ही शेष रहने वाला है, दाम्पत्य जीवन आपका सुखमय व्यतीत होने वाला है और साथ ही संतान सुख के भी बहुत अच्छे योग बनेंगे। दोस्तों, दूसरी जो भाग्यशाली राशि है वो है वृषभ राशि। वृषभ राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति की विशेष कृपा प्राप्त हो सकती है। अप्रैल 2023 तक जीवन में खुशियां बरकरार रहेंगी। गुरु राशि परिवर्तन की अवधि में जीवन साथी का पूरा पूरा सहयोग मिलेगा। नौकरी करने वालों की आमदनी में बढ़ोतरी हो सकती है। इसके अलावा नौकरी में प्रमोशन का लाभ प्राप्त हो सकता है। बिजनेस में आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी। यह समय आपके लिए बहुत ही शेष रहने वाला है। वृषभ राशि के जातकों को भी बहुत अच्छे संतान सुख के योग बने हुए हैं। दोस्तों, तीसरी राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों को भी गुरु का राशि परिवर्तन आय के नए स्रोत देगा। आर्थिक स्थिति बेहतर होगी, कार्यों में सफलता मिलेगी, खास तौर पर बिजनेस करने वालों को अपार सफलता मिलेगी, अटके काम पूरे होंगे, साथ ही विद्यार्थियों के लिए भी यह समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। गुरु की कृपा से मिथुन राशि के जातकों को बहुत ही श्रेष्ठ और प्रबल पुत्र संतान के योग भी बने हुए हैं। चौथी राशि है कर्क राशि। गुरु के राशि परिवर्तन से कर्क राशि वालों के लिए तरक्की के नए आयाम खुलेंगे। समाज में मान सम्मान में वृद्धि होगी। कार्य क्षेत्र में ऊंचा पद मिलने की संभावना बन रही है। इस गोचर के प्रभाव से रिश्तों में सुधार आएगा। बिजनेस से जुड़े मामलों में परिवार की राय जरूर लें। आर्थिक स्थिति मजबूत बनेगी, बिजनेस में लाभ होगा, सेहत में भी सुधार होगा, वैवाहिक जीवन सुखमय व्यतीत होंगे, बस खर्चों में थोड़ी सी बढ़ोतरी हो सकती है। साथ ही कर्क राशि के जातकों के लिए भी संतान सुख के बहुत अच्छे योग बनेंगे। पांचवी राशि है सिंह राशि। सिंह राशि वालों को गुरु का गोचर अचानक से धन देगा, रुका हुआ पैसा भी मिल जाएगा, आप कर्ज से राहत पाएंगे, हर क्षेत्र में सफलता पाएंगे, करियर में तरक्की करेंगे, वैवाहिक जीवन खुशियां आएगी, यानी वैवाहिक जीवन में संतान पक्ष से कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है आपको। बहुत अच्छे संतान पक्ष आपका मतलब मजबूत है, आपको बहुत अच्छे पुत्र संतान के योग बने हुए। सिंह राशि वालों के लिए गुरु का राशि परिवर्तन बहुत ही शेष रहने वाला है। दोस्तों, छठी राशि है कन्या राशि। कन्या राशि के जातकों के लिए गुरु का राशि परिवर्तन बहुत सारे नए कामों में सफलता दिलाएगा। आप अपनी योजनाएं लागू करने में सफल रहेंगे, लव लाइफ अच्छी रहेगी, दाम्पत्य जीवन में भी खुशियां रहेंगी,
किसी भी धार्मिक यात्रा पर जाना शुभ फल प्रदान करेगा। कन्या राशि वालों के लिए भी गुरु का राशि परिवर्तन काफ़ी अच्छा रहने वाला है। तो दोस्तों, ये हमने छह राशियों का राशिफल बताया है कि गुरु का राशि परिवर्तन इन छह राशियों के लिए कैसा रहने वाला है। बाकी की छह राशियों की जानकारी हम नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर जरूर करें। आप सभी को ओम श्री गणेशाय नमः।